लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल। बोले, चाय वाले का बेटा पीएम बन सकता है तो वैद्य का बेटा क्यों नहीं। बिहार में सीबीआई की नो एंट्री की चर्चा पर बोले विजय सिन्हा, संवैधानिक एजेंसी को कोई नहीं रोक सकता। लालू परिवार ने मेरे पिता को भी कर दिया था ठंडा, बीजेपी सांसद का गंभीर आरोप। सितंबर में बिहार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को लेकर कह दी बड़ी बात। जेडीयू में एक राजा बाकी सब नौकर, सम्राट चौधरी का जेडीयू पर बड़ा हमला। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने रामानंद यादव को दी एक हफ्ते की मोहलत, नहीं तो दर्ज कराएंगे मुकदमा। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, सड़कों पर लगा कूड़े का अंबार। बिहार में गंगा के तटीय इलाके के लिए बाढ़ का अलर्ट। बक्सर से कहलगांव तक बिगड़ रही स्थिति। सीतामढ़ी में इंटर के छात्र ने लगाई फांसी, गमछे से लटक कर दे दी जान। और पटना समेत 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को पीएम मटेरियल बताने से लगातार इनकार कर रहे हैं। सीएम से जब पीएम की रेस में होने वाले सवाल की बात पूछी जाती है तो वे हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और अन्य नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को पहले ही पीएम मटेरियल बताया जा चुका है। इसी कतार में शामिल होते हुए विधान पार्षद संजय सिंह ने भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जब चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वैद्य का बेटा जो इंजीनियर भी है वह देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। पूरा देश आज नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। बिहार में सीबीआई की नो एंट्री की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में सीबीआई की एंट्री पर बैन लग सकता है, जिसको लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को संवैधानिक एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। जो गलत है उन्हें सीबीआई और ईडी से घबराहट हो रही है। यह लोग कल न्यायालय को भी काम नहीं करने देंगे। बिहार में भ्रष्टाचारियों को बेचैनी क्यों है? बिहार के मुख्यमंत्री संविधान की दुहाई देते हुए आज धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं और सब कुछ देख रहे हैं। यह उन लोगों की पतन की शुरुआत है। बिहार सरकार में बैठे भ्रष्टाचारियों को अब यह डर है कि सीबीआई और ईडी कहीं उन पर भी शिकंजा तो नहीं कसेगी। बीजेपी पहले से ही बिहार में महागठबंधन की सरकार को लेकर जंगल राज की बात कर रही थी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ठंडा करने वाला बयान देकर इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। अब बिहार में ठंडा करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच शिवहर से भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद ने पत्नी रमा देवी ने लालू परिवार पर पति की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। रमा देवी ने कहा है कि लालू परिवार ने ही मेरे पति को ठंडा कर दिया। उन्हें डर था कि मेरे पति ब्रज बिहारी प्रसाद मुख्यमंत्री ना बन जाए, इसलिए उनको ठंडा करवा दिया गया था। इन लोगों ने बिहार में बड़ी संख्या में लोगों को ठंडा किया है। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर में राज्य के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह की 23 और 24 सितंबर को सीमांचल में प्रवास का कार्यक्रम है। अमित शाह की पूर्णिया में विशाल जनसभा होगी और वे किशनगंज में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर अमित शाह का बीजेपी के लिए यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। वहीं शाह के बिहार दौरे को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कितना भी नाक पैर रगड़ ले, बिहार में अब इनकी दाल नहीं गलेगी। बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के बाद से ही उन्हें पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस चर्चा को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार और जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं है। बिहार में 17 साल के दौरान नीतीश कुमार ने 8 बार मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीतिक कपड़े बदले, जो जनता अच्छी तरह से देख रही है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पास न तो कोई नैतिक अधिकार है और ना ही कोई सिद्धांत है। जिस बिहार को देश और दुनिया के लोग उसके शानदार ऐतिहासिक महत्व के लिए जानते थे, लेकिन अब लोग इससे जानेंगे कि बिहार में एक पलटू कुमार भी है जो लगातार पलटने का काम करते हैं।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को एक सप्ताह का समय दिया है, नहीं तो वो मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। सुशील कुमार मोदी ने वीडियो जारी कर यह बातें कही है। सुशील मोदी ने कहा है कि उनके वकील ने बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट भेजा है। आपको बता दें कि रामानंद यादव ने कहा था कि बिहार के डिप्टी सीएम रहते हुए सुशील मोदी ने लोदीपुर और खेतान मार्केट की जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा था कि असल बाहुबली तो सुशील मोदी हैं, जिन्होंने डिप्टी सीएम पद की धाक दिखाकर परिवार के लोगों से जमीन कब्जा करवाया है। उन्होंने यहां तक कहा था कि सुशील मोदी परिवार के सदस्यों की संपत्ति की जाँच कराई जाएगी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने पटना शहर की समस्याओं को बढ़ा दिया है। जगह जगह कचरा और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। दरअसल प्रदेश भर के नगर निकायों के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों और सफाई कर्मी बीते शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का तीसरा दिन है। हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रमुख मांग नियमितीकरण अनुकंपा बहाली के साथ नगर निकायों में आउटसोर्सिंग खत्म करने को है। हालांकि पटना नगर निगम का दावा है कि शहर में कचरा उठाने के कार्य हो रहे हैं। बिहार में गंगा के तटीय इलाके बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बिहार में गंगा बक्सर से लेकर पटना तक खतरे के निशान को पार कर चुकी है। चिंता की बात है कि जलस्तर में वृद्धि का क्रम अब तक जारी है। हालांकि इसकी रफ्तार जरूर कम हो गई है। बक्सर में रविवार तक गंगा प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर तक बढ़ रही है। संभावना जताई जा रही है कि गंगा के जलस्तर में अगले 3 दिनों तक वृद्धि जारी रहेगी। जलस्तर में वृद्धि का क्रम बक्सर से थमना शुरू होगा और धीरे धीरे इसका असर भागलपुर तक दिखेगा। सीतामढ़ी में एक 20 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना सीतामढ़ी जिले के महसौल ओपी क्षेत्र के बसबरिया की है, जहां किराए के घर में रह रहे एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। मृतक की पहचान जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के दोस्तियां वार्ड नंबर 11 निवासी हरेंद्र राय के पुत्र विवेक कुमार के रूप में हुई है। विवेक इंटर का छात्र था और सीतामढ़ी शहर में किराए पर रूम लेकर पढ़ाई करता था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि रहेगी। पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। वहीं प्रदेश के उत्तरी भागों के 17 जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। प्रदेश के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के 1 या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।